Hall. Our next session is the first in the Bhaskar Bhasha series to take place in the Mahindra Humanities Center, Darbar Hall. And I couldn't be more pleased than to invite Ms. Simantini Range Raghav, Dr. Madhav Hada, Dr. Durga Prasad Agarwal, and in conversation with Nand Bhardwaj. So without further ado, I'm going to pass it over to Nandji to begin the proceedings. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. This session is contributed to or focused on great Indian writer Range Raghav, who belongs to this place, particularly Rajasthan, east of Rajasthan, where and Bharatpur you know very well. Range Raghav ke bare mein वैसे तो हिंदी का हर विद्यार्थी बहुत बेहतर ढंग से जानता है, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि 156 ग्रंथ लिखने वाला एक इतना बड़ा लेखक, जिसकी भारतीय भाषाओं में पता नहीं कितनी भाषाओं में उसकी कृतियों का अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है, कितने विश्वविद्यालयों में वो एक बड़े लेखक के रूप में पढ़ाया जाता है, और जिसके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए हमारे मन में जितना हम व्यक्त करते हैं उससे ज़्यादा हमारे अंदर रह जाता है। ऐसे कालजयी कथाकार को याद करना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। अगर हम इस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में रांगे राघव पर एक सेशन कर पाते हैं और उसे ठीक से तरह से स्मरण कर पाते हैं तो ये इस आयोजन की भी सफलता है। एक और बड़ी बात आप जानकर खुशी होगी कि कल 17 जनवरी जिस दिन हमारा ये लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ, ये उनका जन्मदिन था। ही बोर्न ऑन 17 जनवरी 1923। अब अगर वो होते तो 90 साल पूरे कर गए होते, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी ज़िंदगी, इतना बड़ा काम करने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी सिर्फ 40 साल के अंदर सिमट गई। 39 ईयर्स की एज में वो हमें छोड़कर विदा हो गए, और उतनी सी कम उम्र में उन्होंने जितना काम किया है, जितना लिखा है, यानी 40 उपन्यास, 13 कहानी संग्रह, 16 आलोचना और गद्य की पुस्तकें, और कुल मिला के 150 से ऊपर ग्रंथों की रचना। ऐसे भी साल आए हैं जहां उनकी एक ही साल में 8-8, 10-10 किताबें आई हैं। ये अद्भुत किसी विलक्षण प्रतिभा का ही काम हो सकता है, किसी सामान्य आदमी के लिए ये संभव नहीं। हमारी कोशिश थी कि आज के इस चर्चा में हम उनकी धर्मपत्नी सुलोचना रांगव राघव को यहाँ आमंत्रित करते। वे काफ़ी वृद्ध हैं और थोड़े से अरसे में उनका स्वास्थ्य इधर थोड़ा प्रभावित हुआ, तो वो असमर्थ थी आने में, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी पुत्री सीमंतनी रांगे राघव हमारे साथ हैं। सीमंतनी यहाँ अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं करोड़िया कॉलेज में, और सीमंतनी जब 2 साल की भी नहीं थी तब वे पिता से अलग हो गई, या पिता उन्हें विदा कर गए, पिता हमसे विदा हो गए। उस सीमंतनी राघव के मन में अपने पिता को लेकर कितनी तरह की छवियां रही है, सुलोचना जी ने अपनी एक किताब में जो सीमंतनी को ही संबोधित है, एक बहुत अच्छा मार्मिक संस्मरण कहिए उसको, एक बेटी के लिए एक संबोधन कहिए, उस अर्थ में याद किया है और कहा है कि वो कितनी बड़ी विरासत की मालकिन है और वो कितनी बड़ी विरासत को उसे सुपुर्द करके जा रही है। अशोक शास्त्री जो उनके दामाद थे, हमारे बहुत प्रिय लेखक थे सीमंतनी के पति, उन्होंने बहुत काम किया अपनी ज़िंदगी में रांगे राघव को लेकर के। 10 खंडों में उनकी ग्रंथमाला प्रकाशित हुई है जिसमें अशोक का बहुत काम है। आप सब लोगों ने कब तक पुकारूं जो सीरियल आया था वो देखा होगा, जिसके माध्यम से आज पंकज जैसा जो कपूर जैसा जो लेख कलाकार है वो उसी के माध्यम से पहचान में आया, और आज वो अपनी एक हैसियत रखता है यंग
जनरेशन के लोग उसके बेटे को ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते होंगे शाहिद कपूर को, लेकिन इस परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के फील्ड में वो बहुत बड़ा है और हम आज उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं बातचीत की शुरुआत के लिए सीमंत्री से ही मदद लूँगा क्योंकि वो इस काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगी। किरागे राघव एक पिता के अलावा एक लेखक के रूप में, एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में क्या मायने रखते हैं उनके लिए, हाउ शी रिमेम्बर्स हिम एंड किस तरह का प्रभाव वे आज भी अपने भीतर महसूस करती है, उन्हें किस तरह से याद करना पसंद करती है। सीमंत्री जी। शुक्रिया राम जी। अपनी बात बहुत से लोगों की बातों से के द्वारा कहना चाहूँगी, लेकिन पहले मेरी एक कविता जो मैंने मेरे पिता के लिए लिखी थी कुछ सालों पहले, उससे शुरू करती हूँ। सालों बाद मेरा चश्मा लगा चेहरा झांकता है पिता की तस्वीर में, सालों बाद मेरा चश्मा लगा चेहरा झांकता है पिता की तस्वीर में, उनका टोपी पहना चेहरा गले में लिपटा माँ के हाथों बुना मफलर, ओवरकोट का बंद बटन, सर्दियों की किस दोपहर खींची थी तस्वीर, कितनी धूप थी तब कमरे में, पहले उसके वे लेटे थे या बैठे, खुश या अन्यमनस्क। इस वक्त जब सब और सन्नाटा है, दूर कहीं बोलती है पिड़की कोई, मेरे हाथ की छाया हिलती है तस्वीर में, ठीक से लपेटने उनका मफलर, दूर करने माथे की शिकन, फैला है बीते हुए वक्त का फासला आबाद नीरवता में। यह एक अलग अनुभव है जब आप कहानियों से घिरे बड़े होते हैं, कहानी भी ऐसी जो पर्थ दर पर्थ खरी होती जाती है, उसके उजले हिस्से और उजारे जब वे अलग जबानों से आते हैं। अशोक शास्त्री के शब्दों में यह कहानी बन गया लेखक उस शख्स के लिए है जिसे हम रांगे राघव के नाम से जानते हैं। वे संवेदनशील हैं, गजब सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हैं, बहुत धैर्य से समय के प्रवाह को देखते हैं, गौर करते हैं कि सारी प्रगति लड़ाई के बावजूद बहुत कुछ है जो बदलना चाहिए। वे अपने लेखन में पूरी दुनिया बनाते हैं ऐसे लोगों की जिन्हें अक्सर अपमानित किया जाता है। आज भी सिर्फ अपने काम की वजह से नहीं, खुद अपनी वजह से जिंदा हैं पाठकों और लोगों के जहन में रांगे राघव, क्योंकि अपने लिए कुछ न कर अपनी ऊर्जा दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में उन्होंने व्यतीत की। इसलिए जो मैंने सुना वह मैं आपसे यहाँ साझा करूँगी। पहला संस्मरण मैं कुछ अंश सुनाऊंगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने उनके बारे में पढ़ी, उनका साहित्य पढ़ा और मेरे जहन में जो तस्वीर बनी वो मैं आपसे साझा करती हूँ। मनमोहन ठाकुर उनके बहुत पुराने बहुत अभिन्न मित्र रहे। एक किताब है पप्पू जिसमें रांगे राघव से याराने के 5 वर्षों का सफ़रनामा, उसमें से मैं शुरुआत करती हूँ। एक अंश ये है, प्रोफेसर अंतानी के यहाँ हर साल नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हवन समाप्ति के बाद बड़े बूढ़े बातचीत में लगे थे और हम बच्चे धमा चौकड़ी मचाने में। यह बात होगी शायद 1935-36 की। तभी मेरे मामा जी ने नीली नेकर और सफ़ेद खुले कॉलर की कमीज पहने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, यह लड़का मद्रासी है, इसका बड़ा भाई हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है वह, उसकी अंग्रेज़ी तो बस कमाल की है। उन दिनों हम सबका विश्वास था कि अंग्रेज़ी तो सिर्फ मद्रासियों की ही कमाल की होती है। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, पर उस मद्रासी लड़के को देखकर तो मैं सचमुच चौंक पड़ा था। यह लड़का और मद्रासी, गोरा चिट्टा, नाक नक्श, चाल ढाल, वजह कतः, कहीं से भी तो मद्रासी नहीं लग रहा था वह, ये चक्कर क्या है? पता चला कि साहबजादे को पप्पू कहा जाता है। अंतानी साहब के पड़ोस में ही रहते हैं ये लोग, 3 भाई हैं, आचार्य ब्रदर्स, पूरा नाम कोई नहीं जानता, मद्रासी नाम कोई जान भी तो नहीं सकता, गुड़ुम 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 कुछ कुछ आचार्य। बस उस दिन हम बच्चों की चर्चा का विषय यही गोरा सी और उसकी मद्रासी जबान ही बने रहे। इसके बाद
एक लेख था जो एक संस्मरण था जो अमृत राय ने रंगी राघव पर लिखा था, सूरज जो दिन दोपहर ढल गया। मुझे कुछ भी याद नहीं रंगी राघव से मेरी कब और कैसे भेंट हुई, बस इतना याद है कि मिलने के बहुत बरस पहले से हम एक दूसरे को जानने लगे। 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसमें पप्पू आगरे के डॉक्टरों के दल के एक साथ वहाँ गया था और उस विभीषिका के जानदार तिल मिलाते हुए रिपोर्टाज भेजे थे हंस में छपने के लिए, जिन्हें पढ़कर लोगों को एक साथ दो धक्के लगे थे। एक धक्का बंगाल के अकाल का जो तब तक ऐसे सजीव रूप में उनके मन की आंखों के आगे नहीं आया था और अखबार की तमाम खबरों में से एक खबर से ज़्यादा कुछ नहीं था, और दूसरा धक्का हिंदी के आकाश में एक नई तेजस्वी प्रतिभा के उदय का। जहाँ तक मैं जानता हूँ रंगी राघव के उन्हीं रिपोर्टाज से हिंदी में रिपोर्टाज लिखने का चलन शुरू हुआ। दूसरों ने भी लिखे रिपोर्टाज, मैंने भी लिखे, लेकिन जो बात रंगी राघव की लिखने में थी वह किसी को नसीब न हुई। जिन्हें उस वक्त की याद है वे याद करेंगे तब हवा में कैसी थरथरी थी। स्वाधीनता का संग्राम अपने अंतिम अध्याय में था। सन 42 के दमन की पस्ती का दौर खत्म होकर अपने INA के जवानों की मुक्ति के प्रश्न को लेकर और फिर बम्बई में जहाजियों की बगावत को लेकर देश में फिर एक नया ज्वार आ रहा था। जगह जगह जुलूस निकलते थे, लाठियाँ चलती थीं, गोलियाँ चलती थीं, पकड़ धकड़ होती थी, और आज़ादी के उस जुलूस के साथ रंगी राघव का रिपोर्टाज कंधे से कंधा मिलाए चल रहा था। हंस की पुरानी फाइलें पलटिए तो देखिएगा, हर महीने वह अपनी कोई नई चीज़ लेकर वहाँ बैठा हुआ है और सब में बेचैनी, वही आग, वही तूफानी नदी का बहाव। मैं समझता हूँ कि उसी बेचैनी, उसी आग और उसी तूफानी नदी के बहाव का नाम रंगी राघव है। एक छोटा सा किस्सा और वो लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर हरिहरनाथ टंडन जो रंगी राघव के गुरु थे वो चाहते थे कि वो केवल स्वतंत्र लेखन नहीं करें, उन पर बहुत भार पड़ रहा है, तो कहीं कुछ उन्होंने भी निश्चय ही पप्पू को समझाने की कोशिश की मगर बेसुध। तो उन्होंने अमृत राय से आग्रह किया कि मैं उन्हें समझाऊं कि तुम कोई नौकरी कर लो। रंगी राघव ने क्या कहा, छोड़ भी, अपना यह कलम चलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर पता नहीं क्यों, किस प्रेरणा से उसने एक और बात कही जो पहले कभी नहीं कही थी और जिसने हमेशा के लिए मेरा मुंह बंद कर दिया। बात बड़ी भयानक थी लेकिन उसको उसने कहा काफ़ी हल्के फुल्के ढंग से, बिना किसी तरह की अतिरिक्त गंभीरता के। बोला, तू नहीं जानता मेरी उम्र बहुत कम है, उसी में सब कर लेना है। इसके बाद मैंने चुना है घनश्याम अस्थाना, जो फिर रंगी राघव के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक संस्मरण लिखा था, राजहंस तो सदा जिएगा। रंगी राघव सिनिक थे, शायद हर कलाकार किसी न किसी रूप में सिनिक होता ही है, मगर मैं इसका जवाब ना हाँ में दे सकता हूँ और ना नहीं में। जो आदमी एक एक दिन में 55-60 फुलस्केप कागज़ लिख डाले, जो आदमी बड़ी मेहनत से लिखी हुई हज़ार पेज की कविताओं, कहानियों, नाटकों में धुन आने पर दिया सलाई लगा दे, निहायत शांति और तर्क से अपने इस विध्वंसक कार्यवाही का समर्थन करते हुए कि बेकार की चीज़ें थी सारी, जो आदमी डॉक्टर के पूर्ण विश्राम के परामर्श का यह अर्थ समझता हो कि संस्कृत से अनुवाद कार्य और बड़ी बड़ी तस्वीरें, पेंटिंग्स बनाने में कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता, जो आदमी जिंदगी का नज़दीक से अध्ययन करने के लिए आगरे की मई जून की माथा चटकाने वाली धूप और खामोशी से डस लेने वाली लू में भिकमंगों की बस्ती में डोले और बंगाल के अकाल की विभीषिका से जूझने के लिए आगरा मेडिकल मिशन के साथ उस श्मशान बने स्वर्ण देश में गांव-गांव सहायता कार्य करता हुआ भटके, मगर साथ ही लोक मूल्यों की कसौटी पर इतना जन भीरु साबित हो कि आगरा कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर नेताओं के दर्शन के लिए लाल किले के मैदान की ओर टूटती हुई अटूट भीड़ को देखकर ताजमहल जाने का प्रोग्राम रद्द कर विपरीत दिशा में चल दे, जो आदमी अपनी PhD के लिए मेहनत करे और उसकी डिग्री लेने न जाए। वह आदमी सिनिक था या नहीं था, इसका उत्तर मैं न हाँ में दे सकता हूँ न ना में। इसके बाद जिनका जिक्र, यानी मेरी माँ का जिक्र जो नंजी ने भी किया, उनकी और उनकी किताब, उनकी उन्होंने दो चिट्ठियाँ मुझे लिखी, पहली थी पुनः
और उसके बाद पुनश्च, लेकिन वो पुनश्च भी बहुत लंबा था। फिर राजपालन संस ने उसको एक ही जिल्द में दो चिट्ठियों को एक साथ छापा, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के तौर पे। तो सुलोचना रांगे राघव ने रांगे राघव के जीवन के बारे में मुझे बताते हुए जो लिखा, उसकी शुरुआत मैं रांगे राघव की एक कविता से करती हूँ। एक बहुत लंबी कविता है जो रांगे राघव ने अपने विवाह के बाद अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखी थी। प्राण मेरी बात सुन लो, कविता के आखिरी हिस्से हैं। लो बहुत परिचय हुआ मुझको, न कहना और बाकी, भर गई है अक्षरों से जिंदगी की एक बाती। अब चलो दृढ़ बंध धरो तुम वीरता से इस चरण को, पंथ कांपेगा हमारे भार से, व्योम गूंजेगा हमारे प्यार से। देखती हो लोक का या नरक सारा, भूख प्यास अधीर दुख का सर्वहारा उठ रहा है, उठ रहा है जो ग्रहण के बाद चंदा। गीत गाओ मानवी सब शक्ति जावे जागे, कलमशों के दीन डेरे फेंक दो अब, हम गगन के तल रहेंगे फूल दुनिया में उगाने, हम लहू से सींच धरती हाथ ये मैले करेंगे। तुम रहो मैं रहूँगा ही नहीं संसार में तो, तुम रहोगी भी नहीं होकर अमर तो, जानते यद्यपि नहीं हम अंधे अंतिम जिंदगी का, हम जगत के हेतु ही जग में रहेंगे, दूर होंगी स्वार्थ की सारी परिधियाँ, दूर होगी व्यक्ति की सारी व्यवस्था। एक सुलोचना जी ने जो किताब लिखी उसका एक छोटा सा संस्मरण दिया। हाँ, दो टुकड़े और हैं इसमें से जो आखिरी हैं। सुलोचना जी लिखती हैं, दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। ये रांगे राघव के आखिरी सालों की बात है 1961 की, क्योंकि 1962 सितंबर 12 को उनका देहांत हो गया। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे, उन्हीं दिनों सर्दी पड़नी शुरू हुई थी। हम बैठक में बैठे थे, हर तरह से तसल्ली थी, शांति थी, हम दोनों यह सब बराबर महसूस कर रहे थे, हर क्षण को जी रहे थे। बस इसी बेला में तुम्हारे अप्पा बोले, सुलोचना सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति है, कितना इत्मीनान, पहली बार लग रहा है कि यह हमारा है। पर देवताओं को भी ईर्ष्या होती है, कहकर वे रुक गए थे। मैं यह सुनकर उन्हें देखती रह गई थी। नहीं नहीं, देवता हमसे ईर्ष्या नहीं कर सकते, मैंने उस समय कह तो दिया था, पर उसके कुछ समय तक मुझे भय सा लगा रहा कि क्या यह सब, यह क्षण, यह शांति, यह पूर्ण जीवन समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय तो मुझे ऐसा लगा कि तूफान आया हो, पर बाद में मैं संभल गई थी, सब चलने लगा था। उसके बाद रांगे राघव को रक्त कैंसर हुआ और हॉजकिंस डिजीज से पीड़ित वे बच नहीं पाए। और ये आखिरी हिस्सा है मेरी माँ की पहली किताब का, जिसका मैं आखिरी हिस्सा पढ़ के सुनाती हूँ। रात बीत गई, 12 तारीख के प्रातःकाल के प्रकाश में मैंने तुम्हारे अप्पा को बहुत ध्यान से देखा। ये बम्बई अस्पताल में वो कैंसर से पीड़ित जूझ रहे थे, 39 साल, जैसे नंद जी ने आपको याद दिलाया, और अम्मा 26 की थी तब, मैं तब 2.5 की थी। उनके सिर पर बाल उगाए थे, एक नई आशा बंधी, अभी प्राण है, जीवन है, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। देह में बंधे प्राण छटपटाने लगे, अंतिम दम तक प्रयास, सब कुछ समाप्त सा होने लगा। कहते हैं बेटे कि जब रोगी की यातना बढ़ जाती है, तब उसके निकटतम भी यही सोचते हैं कि अब प्राण चले जाएं। वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खोल कर देख रहे थे। बड़े भाई निकट आए, बोले, पप्पू बेटे आराम से जाओ, हम संभाल लेंगे। उनकी आंखें और अधिक खुली और मुझे देखने लगी। शांति से जाओ, सुलोचना को मुन्नी को संभाल लेंगे, भाइयों ने मिलकर कहा। फिर भी आंखें हटी नहीं, मैं बेहोश सी उनके पास बैठ गई, ये सुलोचना जी कहती हैं। उन्होंने मुझे देखा और देखते ही रहे, वही निराली चमक थी उन आँखों में उस समय। धीरे धीरे उनके मुख पर अनंत शांति का, अनंत विश्राम का भाव दिखने लगा, जो मानो कह रहा हो यह यात्रा समाप्त हुई और अब महायात्रा का आरंभ। मैं बेहोश हो गई थी और उसी बेहोशी में दूर से मुझे सुनाई दिया, और वे रांगे राघव की कविता परिचय से ही कोट करती हैं, नयन यों ही रह गए भूले ठगे से नमित होकर, प्राण जीवन संतरण का खेल है यह जान लो तुम, दाह केवल सांत्वना है, सत्य केवल यातना है। रांगे राघव जितने बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे,
वो कितने संवेदनशील इंसान थे, उसका प्रतिरूप हैं सीमंत्री रागे राघव, जो स्वयं उनकी काव्य परंपरा को या उनके काव्य संस्कार को अपनी कविताओं में सहेजती रही हैं। उनका खुद का कविता संग्रह आ चुका है प्रकाशित होकर। रागे राघव ने 13 कविता संग्रह दिए। हम सीमंत्री से इस क्रम को और जारी रखने की अपेक्षा करते हैं। और उनके कथाकार रूप पर हमने आज के इस बातचीत का शीर्षक ही दिया था, कालजयी कथाकार, जबकि वो एक कथाकार की परिचय में सिमटते नहीं है, वो बहुत बड़े लेखक है, उनको एक बड़े रचनाकार के रूप में हम याद करते हैं, लेकिन उनका जो कथा साहित्य है वो बहुत अविस्मरणीय है। यानी जब वो 23 साल की उम्र में हुए तो पहली ही बार 2 उपन्यासों के साथ सामने आए, घरौंदा और विषाद मठ के माध्यम से 1946 में उनके ये दोनों उपन्यास प्रकाशित हुए। फिर तो लगातार हर साल तीन चार उनकी कृतियाँ उस तरह से लगातार प्रकाशित होती रही है और लगातार वो लिखते रहे हैं। वे संपूर्ण रूप से पूरी तरह से एक लेखक का जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे हैं। उनके लिए लेखन के अलावा जीवन का जैसे कोई उद्देश्य था ही नहीं। ऐसे कालजयी कथाकार का क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कथाओं के माध्यम से क्या दिया है हमें, और कब तक पुकारू के माध्यम से, नई मुर्दों के टीला के माध्यम से, या सीधे साधे रास्तों के माध्यम से, राई का और पर्वत के माध्यम से क्या कुछ कहने की कोशिश की है, इसकी एक छोटी सी झलक हम अपने दो विद्वान साथियों से और शेयर करेंगे। मेरे साथ दुर्गा प्रसाद अग्रवाल हैं, जो हिंदी के बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और आलोचना के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। दुर्गा प्रसाद ने रागे राघव को भी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, पढ़ते रहे हैं। मैं चाहूँगा दुर्गा प्रसाद जी से फिर आलोचना और उनके जो संस्कृति कर्म पर, उनके जो दूसरे गद्य विधाओं पर जो काम किया है उस पर माधव हाड़ा, जो उदयपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वे प्रकाश डालेंगे। पहले दुर्गा प्रसाद जी आप बताएं। धन्यवाद नंद जी। मित्रों, आपको भी अब तक की बातचीत से लग गया होगा कि हम चारों यहाँ एक बहुत मुश्किल काम के लिए बैठे हैं। मुश्किल काम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ इस तरह के आयोजनों में सिर्फ एक किताब पर एक सत्र केंद्रित होता है, हम एक ऐसे रचनाकार के रचना कर्म पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने लगभग 125 किताबें लिखी, और उन किताबों में शायद ही कोई किताब ऐसी हो जिसको आप हल्की कहकर खारिज कर सकें। चाहे आप कितने ही लेखक क्यों ना हो जाएं, उस किताब की गुणवत्ता आपको प्रभावित करती है। मैं क्योंकि कथा साहित्य में विशेष रुचि लेता रहा हूं, रागे राघव का कथा साहित्य मुझे बहुत आकृष्ट करता रहा है। लगभग 40 उपन्यास, जैसा नंजी अभी कह रहे थे, उन 40 उपन्यासों को बात करने के लिए अगर एक उपन्यास पर एक मिनट भी कोई बात करना चाहे तो कम से कम 40 मिनट तो चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं वो मुमकिन नहीं है। तो मेरी इस सीमा को आप भी समझेंगे, मैं बहुत संक्षेप में किसी तरह आपको उन उपन्यासों का थोड़ा सा परिचय देने की कोशिश करता हूं। रागे राघव बड़े योजनाबद्ध रूप से काम करते थे, तो एक शायद उनकी योजना रही कि कुछ चरित्रों पर केंद्रित उपन्यास लिखे जाएं। एक तरह से आप उन्हें औपन्यासिक जीवनी कह सकते हैं, जीवनी परक उपन्यास कह सकते हैं। 9 उपन्यास उनके इस तरह के हैं जो व्यक्तित्वों पर केंद्रित हैं। देवकी का बेटा एक उपन्यास है उनका, जो कृष्ण के चरित्र पर केंद्रित है। आंधी की नींवें महाराणा प्रताप और महारानी लक्ष्मी पर केंद्रित है। यशोधरा जीत गई बुद्ध और उनके समय पर केंद्रित है। 4-5 उपन्यास हैं जो रचनाकारों के जीवन पर केंद्रित हैं, लोई का ताना कबीर पर, रत्ना की बात तुलसी पर, भारती का सपूत भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, लखमा की आंखें कवि विद्यापति पर, और मेरी भव बाधा हरो हमारे अपने बिहारी पर, और एक और उपन्यास धूनी का धुआं गोरखनाथ पर। तो ये 9 उपन्यास जो व्यक्तित्वों पर केंद्रित हैं। रागे राघव की इतिहास में बहुत गहरी रुचि थी, जिस पर मेरे मित्र डॉक्टर माधव हाड़ा प्रकाश डालेंगे। उनके बहुत सारे उपन्यास हमें अतीत में ले जाते हैं, और वो भी ऐसे अतीत में
जिसके बारे में हमारी जानकारी अपेक्षाकृत कम है। प्रागैतिहासिक काल पर उनके दो उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मुर्दों का टीला और कबीर। कल हम लोग अनौपचारिक रूप से बात कर रहे थे कि पिछले दिनों ये चर्चा हुई कि मुर्दों का टीला का नाम लोग गलत समझते रहे हैं अब तक, लेकिन रांगे राघव किस ज़माने में उस मोहन जोदड़ो को मुर्दों का टीला कह चुके थे, ये बात आज हमें चकित करती है। इसी तरह महायात्रा के दो भाग हैं, अंधेरा रास्ता और रैन और चंदा। और अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि मूल योजना तो रांगे राघव की इस उपन्यास को 13 खंडों में लिखने की थी। अंधेरे का जुगनू अंधकार युग को सामने लाता है, प्रतिदान महाभारत युग को सामने लाता है, राह न रुकी और पक्षी और आकाश बुद्ध और महावीर के युग को सामने लाते हैं, चीवर हर्ष काल को सामने लाता है और जब आएगी काली घटा गोरखनाथ के समय को सामने लाता है। हिंदी की एक धारा आंचलिक उपन्यासों की रही और कभी फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल आया तो लगा कि हिंदी उपन्यास को, लेकिन ये बात भी हमें चकित करती है कि मेला आंचल के प्रकाशन से एक साल पहले रांगे राघव का काका उपन्यास प्रकाशित हो चुका था और उस काका उपन्यास में आंचलिकता के वे सारे तत्व मिलते हैं जिनके लिए बाद में हम फणीश्वरनाथ रेणु को जानने लगे हैं। इसी तरह कब तक पुकारूं तो उनका एक लैंडमार्क उपन्यास है, हम में से अधिकांश लोगों ने उसको पढ़ा है या उसको धारावाहिक रूप में देखा है। धरती मेरा घर स्कूल के भी पाठ्यक्रम में रहा है, जो लोहपीठों की लोहार लोगों की कथा कहता है। राई और पर्वत ग्रामीण परिवेश का चित्रण करता है। और दो उपन्यास जिनको मोटे तौर पर जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसमें हम सामाजिक उपन्यास कह सकते हैं सरलीकरण करते हुए, एक पतझर जो प्रेम और जातिवाद को सामने लाता है और एक उपन्यास आखिरी आवाज़ जिसकी ओर मैं विशेष रूप से आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, इसलिए कि इस उपन्यास में वे भारतीय समाज में आज़ादी के बाद बदलते हुए गांव में हमारी राजनीति में जो दलदल पैदा हो गया है उस पर जिस तरह से उस ज़माने में प्रकाश डाल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे लेखक वास्तव में बहुत दूर की बात देखता है। आज हम अपने समाज में जो विकृतियाँ देखते हैं उन सब की झलक हमें इस आखिरी आवाज़ उपन्यास में पढ़ने को मिलती है। इसी तरह रांगे राघव में एक और बात थी मित्रों जिसको मैं यहाँ साझा करूँ। एक रचनाकार में शायद ये होना भी चाहिए कि वे बहस की बजाय उसका रचनात्मक उत्तर देने में विश्वास करते थे। उस जमाने में भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास आया था टेढ़े मेढ़े रास्ते, आज़ादी की लड़ाई की बात वो उपन्यास करता है और भगवती चरण वर्मा ये कह रहे हैं कि आज़ादी के लिए जो अलग अलग रास्ते हैं वो बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। रांगे राघव इसका जवाब देना चाहते हैं, वो नहीं मानते हैं कि रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, वो जन पक्षधरता के रास्ते को चुनते हैं और लगता है कि वही तो एक रास्ता है आज़ादी तक जाने वाला, लेकिन अपनी बात कहने के लिए वे एक उपन्यास लिखते हैं सीधा साधा रास्ता। उसी तरह यशपाल का उपन्यास दिव्या, उसके जवाब में वो चीवर लिखते हैं। यानी एक उपन्यासकार को अगर बात कहनी है तो वो उपन्यास लिखकर ही तो कहे ना, ये बात मुझे आज बहुत अभिभूत करती है। इसी तरह उनका एक उपन्यास है बंदूक और बीन, जो युद्ध बनाम प्रेम की बात करता है और संभवतः हिंदी का युद्ध जीवन पर सैनिक जीवन पर पहला उपन्यास है। और एक उपन्यास प्रयोग भी उन्होंने बहुत किए, कहानियों में भी किए, उपन्यास में भी किए हैं, छोटी सी बात एक उपन्यास है, पत्र शैली में उपन्यास है। उसकी एक चरित्र सुशीला अपनी सहेली के नाम 9 पत्र लिखती है, बस उन 9 पत्रों में वो उपन्यास पूरा हो जाता है। तो इतनी सी झलक मैं आपको संक्षिप्त समय में दे पाया हूँ। आप भी समझ सकते हैं कि हर उपन्यास पर हम लोगों को एक एक घंटा बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रसाद जी, बहुत संक्षिप्त में बहुत सारगर्भित बातें आपने बताई। कथाकार के रूप में रांगे राघव का क्या बड़ा योगदान है। रांगे राघव का जो गद्य है और विविध विधाओं पर, विविध विषयों पर, जीवन के बहुल पक्षों पर उन्होंने जो लिखा है उसमें एक बहुत संवेदनशील पक्ष पहली बार सामने आया जब वो बहुत छोटी सी उम्र में थे, 20 साल के भी नहीं हुए थे, और 1942 के बंगाल के अकाल पर उन्होंने एक रिपोर्टाज लिखा
तब तक रिपोर्टाज की विधा उस तरह से प्रचलित नहीं थी और एक पूरी किताब बनी उसके ऊपर तूफानों के बीच। ऐसे ही महासमर गाथा करके एक दो खंडों में उनका उनका काम सामने आया। फिर प्रगतिशील आंदोलन पर उनकी एक पूरी किताब आई। गोरखनाथ पर उन्होंने पीएचडी की उनकी उनकी उनके दर्शन पर उनके काम पर। इस तमाम तरह के विविध बहुआयामी लेखन पर क्या गहरी छाप रांगे राघु की रही है, कहाँ तक वे उसे आगे ले गए, इस पर हम जरा माधव हाड़ा जी से जाने जो स्वयं बहुत अच्छे विद्वान हैं और रांगे राघु को बहुत गहराई से समझते हैं। माधव जी, रांगे राघु के व्यक्तित्व में कुछ असाधारण है। खोलूं क्या? उनके व्यक्तित्व में कुछ असाधारण है। मैं असल बात पर आने से पहले उनके व्यक्तित्व के दो तीन पहलुओं पर आपका ध्यान चाहूँगा। साहित्यकार का एक उदात्त व्यक्तित्व होता है और वो स्वयं उस उदात्त व्यक्तित्व को जीते हैं। उन्होंने अपने को एक ऊंचाई पर स्थापित कर लिया था, इस कारण उनके व्यक्तित्व में एक जिद उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हो गई और वो आजीवन रही। हिंदी में वो पहले साहित्यकार हैं जो मसीह जीवी रहे, आजीवन मसीह जीवी रहे। उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया, कोई दूसरा व्यवसाय किया ही नहीं, जिद पूर्वक। और इस जिद ने मतलब ये ऐसा हुआ हो कि उन्हें लगा हो कि उन्हें कम समय तक रहना है। आप आश्चर्य करेंगे, 21 दिन में उन्होंने, केवल 21 दिन में प्राचीन भारतीय इतिहास और परंपरा नामक एक वृहद काय ग्रंथ लिखा आगरा में रहकर, और लगभग समाधि लगाकर लिखा। मतलब उनको पता था कि वे कम समय तक रहेंगे, इसलिए जो उनके भीतर है ये भी लो वो भी लो, सबको बाहर निकालने, सबको एक सृजनात्मक जो भी उनका अवदान है उनको देने की उनको आकांक्षा थी बहुत तेजी से, इसलिए उन्होंने बहुत तेजी से लिखा। आप आश्चर्य के उनके बारे में कहा जाता है कि जितनी देर में आप किताब पढ़ते हैं उतनी देर में वो किताब लिख सकते थे, और उन्होंने लिखी निरंतर। ये एक कालजयी कथाकार के रूप में विख्यात थे, गदल और कब तक पुकारों से उनकी पहचान है। कम लोगों को ये जानकारी है कि भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के विद्वान और सबसे बड़े अन्वेषी थे। दुर्घटना ये हुई कि हिंदी की जो मार्क्सवादी आलोचना है उस समय की, उसकी जो उठा पटक थी उसमें वो शामिल रहे। और विख्यात समालोचक रामविलास शर्मा के साथ उनके मतभेद हो गए, बल्कि ठन ही गए। आप आश्चर्य करेंगे कि मतलब कोई भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का इतना बड़ा विद्वान हो सकता है? हिंदी में विद्वान बहुत सारे हैं, अंग्रेजी फारसी और संस्कृत के विद्वान होंगे, लेकिन उनका ये सौभाग्य था कि दक्षिण मूल के होने के कारण तमिल के भी विद्वान थे, इसलिए उन्होंने भारतीय इतिहास इतिहास तो बहुत लिखा गया हमारे यहाँ, लेकिन जिसे सांस्कृतिक इतिहास कहते हैं वो सही मायने में रांगे राघव ने लिखा। कम लोगों को जानकारी है, उनका बहुत विख्यात ग्रंथ है 21 दिनों में लिखा, प्राचीन भारतीय परंपरा इतिहास और परंपरा। उन पर बहुत सारे आरोप लगे, उनकी विडंबना थी कि वो साहित्य की खेमेबाजी के शिकार रहे। जो पुनरुत्थानवादी थे वो उनको पुनरुत्थानवादी कहते थे, मार्क्सवादियों ने उनको मार्क्सवादी नहीं माना, विडंबना ये है। दूसरा काम उन्होंने मतलब ये अग्रवाल साहब ने अभी जिस उपन्यास का जिक्र किया मुर्दों का टीला, ये एक ऐसा उपन्यास है, अद्भुत उपन्यास है।
उन्होंने इतिहास के जो ज्ञात तथ्य हैं उनको कल्पना के साथ रखकर पुनर्रचनाएं की, इतिहास की अतीत की पुनर्रचनाएं की। जैसे मुर्दों का टीला अगर आप पढ़ें तो मुझे लगता है कि जो हमारी मोहनजोदड़ो की सभ्यता है उसकी पुनर्रचना, उन पर आरोप लगे कि वो द्रविड़ दृष्टि से लिखी गई रचना। अलबत्ता वे बाद में इसका स्पष्टीकरण देते हैं अंतरक्रिया और अंतर्भुक्ति के सिद्धांत से, कहते हैं ऐसा नहीं है। उनका एक बहुत विशाल काय महाकाय ग्रंथ है, दो खंडों में लिखा हुआ, महायात्रा नाम से, ये भी इसी तरह का ग्रंथ है। वे मनुष्य की विकास यात्रा को इन दो खंडों में रखते हैं, और आप पढ़ें तो लगेगा कि किसी व्यक्ति को ऐसी दर्शन की, संस्कृति की, समाज शास्त्र की, इतिहास की, संस्कृति की एक साथ गहन जानकारी कैसे हो सकती। उनकी इतिहास दृष्टि जो बहुत विवादास्पद इतिहास, रांगे राघव इधर उधर उधर में विश्वास नहीं रखते थे, वे इधर थे। आप देखिए कि वामपंथी होते हुए भी उनकी इतिहास दृष्टि हमारी संस्कृति और परंपरा को इतनी सहानुभूति से समझती है कि ये काम बाद में किसी ने नहीं की, कम लोगों ने उनके ग्रंथों को पढ़ा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस संबंध में काम किया वो था कि ये विवाद था, वो उन पर ये आरोप लगा कि वे द्रविड़ दृष्टि से इतिहास और संस्कृति को समझने की कोशिश, खासतौर पर आर्य आक्रमणकारी हैं और द्रविड़ आर्य आक्रमणकारी है, द्रविड़ आक्रांत हैं, इस तरह का एक अभी भी ये तय नहीं हो पाया कि कौन आक्रमणकारी है और कौन आक्रांत है। लेकिन ये इस विवाद में आजीवन वे उलझे रहे और उन पर बहुत सारे आरोप लगे। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि, और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस समारोह में कही जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, इस देश में कौन आर्य हैं कौन अनार्य हैं, हम तो एक अंतर्भुक्ति के परिणाम हैं, भारतीय हैं और मनुष्य। एक मतलब एक सही मायने में जिसको कहते हैं कि अन्वेषी और ज्ञाता और एक समावेशी दृष्टि के साथ उन्होंने भारतीय इतिहास और परंपरा को समझने की कोशिश की। माधव ने जितना बताया बहुत संक्षेप में सार में समेटने की कोशिश की है। आप सब लोगों को ये जानकर हर्ष होगा कि प्रेमचंद की परंपरा के बाद जिन चार बड़े रचनाकारों को याद किया जाता है उसमें, और उनके काम को भी अगर आप कंपेयर करें रांगे राघव के काम से, तो लगभग वही चित्र उभरता है। जैसे आप राहुल सांकृत्यायन को लीजिए, राहुल जी भी जितने बड़े कथाकार थे उतने ही बड़े समाज विज्ञान के और जीवन के जो दूसरे विषय हैं उनके भी उतने ही बड़े ज्ञाता थे। दर्शन दिग्दर्शन करके इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा, वोल्गा से गंगा के माध्यम से उस तरह की कहानियों के माध्यम से पूरी जैसे सभ्यता की एक नई व्याख्या उन्होंने सामने आपके सामने पेश की। उनके उपन्यास, उनकी दूसरी कृतियाँ इतनी महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से उनको रांगे राघव के साथ उस तरह से हम याद करते हैं। इतना ही बड़ा काम यशपाल जी ने किया, और हिंदी में एक नए बोध के साथ, एक नई चेतना के साथ, एक नए आधुनिक बोध के साथ जो बड़ा काम करने वाले लेखकों में गिनती होती है उसमें मुक्तिबोध की गिनती होती है। यशपाल, मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव, ये चारों मिलकर के जिस तरह की परंपरा का निर्माण करते हैं, जिस यथार्थवादी साहित्य को सामने लाते हैं और भारतीय साहित्य को समृद्ध करते हैं, ऐसे उदाहरण आपको कम मिलेंगे। इतना बड़ा लेखक हमारे बीच में इतने मौन साधक की तरह काम करता रहा और क्या कुछ दे गया हमें, तो उतने जैसा ठीक कर वो हम पढ़ने में जितना समय लगाते हैं उतने में वो एक कृति रच देते हैं। इस रचनाकार को याद करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। मैं चाहता हूँ कि अगर उनके जीवन का कोई और ऐसा प्रसंग जो आप इस मौके पर और सुनाना चाहे, या क्योंकि 2 साल की उम्र में आपकी स्मृतियों में तो वो नहीं होगा लेकिन माँ के माध्यम से आपने बहुत कुछ जाना होगा, कोई रोचक प्रसंग जो आपको पिता तक उस तरह से आत्मीय ढंग से ले जाता है, अगर आप
कहना चाहे तो आपका स्वागत है श्री मंत्री जी। कह दो, दो में किताब मेरे पास है, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में कहना ही ज्यादा। 8 फरवरी 1960 को श्री मंत्री पैदा हुई, तब वो बस उससे थोड़े ही ऐसे, मुझे पता नहीं उनकी छवि भी कितनी उन्होंने अपनी स्मृति में सजो कर रखी होगी, लेकिन रागे राघव एक ऐसी छवि अपने शब्दों के माध्यम से खड़ी करते हैं। कुछ लोगों को तो हम चित्र देख के याद करते हैं, और उनका चित्र भी उतना ही खूबसूरत, हम जब उनको पढ़ते हैं तो वो एकदम साकार हमारे सामने आते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर ढंग से एक रचनाकार को समझ सकते हैं, इतने बड़े शब्द, इसलिए हमारा इसका शीर्षक भी हमने रखा शब्द शिल्पी के रूप में, शब्द संसार ये क्रिएट करता है एक रचनाकार। बताएं, ये उसी किताब में से है, पुनः में से। क्वार की उष्मा ने अपने पैर पसारना आरंभ कर दिया, इन दिनों धूप इतनी तेज पड़ती है कि कहते हैं हिरण भी काला पड़ जाता है। उन दिनों वैर में बिजली नहीं थी, वे गांव में रहते थे। दिन में कमरे को अंधेरा कर हाथ के पंखे से ठंडा करने का पूरा प्रयत्न किया जाता था। घर के सभी लोग पंखे के नीचे विश्राम करते और एक नौकर लड़का उसे खींचता रहता था। यह दृश्य मुझसे पहले नहीं देखा जाता था और मैं बैठकर अफसोस किया करती थी और सोचती यह अन्याय हो रहा है। तुम्हारे अप्पा मेरी इस भावना को अच्छी तरह समझते थे, कहने लगे तुम्हें कुछ दिन ऐसा लगेगा परंतु बाद में आदत पड़ जाएगी। मैं भी जब आया था तब यही सोचा करता था। हाँ बेटा, उन्होंने मुझसे यह कह तो दिया पर मैंने उन्हें पंखे के नीचे बहुत कम बैठते देखा। कभी कभी जब बहुत ही गर्मी महसूस होती तो स्वयं खींच लेते और लड़के को खेलने के लिए भेज देते। गप्पू से उन्हें बहुत प्यार था, उसका भोला चेहरा और फूले गाल उन्हें अच्छे लगते थे। अक्सर उसके गाल खींचकर कहते चल बे जाकर खेल, ये पैसे ले और भाग। मैं उनके सादगीपूर्ण जीवन को देखती रह जाती। उस चटकती गर्मी में वे कुछ न कुछ लिखने का कार्यक्रम बनाया ही करते। दिन में जब लिखते तो ज़मीन पर उल्टा लेटकर और पैरों में रस्सी बांधकर पंखा खींचते हुए, रात्रि को बरसाती कीड़ों से बचने के लिए बिना निवाड़ की चारपाई के अंदर मेज़ कुर्सी और लालटेन और ऊपर से मच्छरदानी लगा लिया करते थे। यही तो था उनका हिसाब किताब रचनात्मक कार्य करने का, न कोई दिखावा न कोई आडंबर, रचना पूरी करने के बाद घर गांव के लोगों को सुनाया करते थे। एक पत्र है जो रांगे राघव ने सुलोचना रांगे राघव को लिखा उनकी शादी के पहले, बहुत अच्छा, तो वो मैं पढ़ के सुना सकती हूँ यदि इजाजत हो। हाँ देखिए, नहीं एक सेकेंड, शादी के बाद, सॉरी बाद नहीं, उसके पहले भी, मुझे क्योंकि जब उनकी सगाई हो गई थी तो मेरी माँ पढ़ने चली गई थी बम्बई, और एक साल तक उन्होंने अपनी पढ़ाई की कॉलेज में, फिर उनकी शादी हुई और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बाद में पूरी की। हाँ लेकिन ये पत्र उनकी शादी के बाद का है। 1956 में उनकी शादी हुई है और तब मतलब उनके बीच में 13 साल का उम्र का अंतर रहा है, लेकिन सुलोचना जी जितनी उनके व्यक्तित्व के उनके लेखन से प्रभावित थी, मतलब उनके लिए एक देवतुल्य पुरुष की तरह रहे हैं। आप उनके संस्मरण पढ़िए तो किस तरह का पैकर, किस तरह का आकार भी खड़ा करती है, जैसे जैसे किसी एक देव पुरुष से वो मिलने जा रही है, लेकिन मिलती हैं तो एक संरक्षक का भाव आ जाता है उनमें। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो 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 कमियाँ दिखाई देती हैं खाने पीने में भी इस तरह की, उसमें वो एक एक, एक माँ जिस तरह से व्यवहार करती है, उस तरह से सुलोचना जी एक एक युवती होते हुए वो उस तरह की भूमिका में आ जाती है, ये अद्भुत रिश्ता बनता है। इसकी एक भूमिका भी देती हूँ ताकि ये स्पष्ट हो जाए, और अच्छा किया कि आपने पॉइंट आउट किया। इन्हीं दिनों ये 1956 के बाद 57 की बात है, इन्हीं दिनों उन्होंने यह महसूस किया कि गांव में मेरा समय बिना कुछ किए नष्ट हो रहा है। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं एमए करूं। गांव में पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी, अतः उन्होंने मुझे बम्बई जाने के लिए समझाया। इस बार मेरे दिमाग में भी यह बात बैठ गई। उन्होंने बात को बहुत अच्छी तरह रखा था,
आज भी याद आ रहे हैं उनके वे शब्द। सुलोचना, यह जरूरी नहीं कि पति पत्नी हमेशा साथ रहें। जीवन में कार्य और कर्तव्य का स्थान बहुत ऊंचा है, और यदि पति पत्नी में परस्पर स्नेह और एक दूसरे को समझने की क्षमता है तो वे कहीं भी रहें वह वैसा ही बना रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर मेरा साथ दो, हम साथी हैं और हमें एक पथ पर चलना है। तो ये चिट्ठी उसके बाद फिर वो लिखती हैं, बम्बई पहुंचकर मैंने टाइपिंग तथा शॉर्ट हैंड भी सीखना प्रारंभ कर दिया था, यही सोचकर कि उनके लेखन में कुछ सहायता हो जाएगी, और साथ ही कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया। इधर वे मुझे बराबर पत्र द्वारा अपने कार्यों से अवगत कराते रहते और साथ अपने मन की बातें और अन्य विचार प्रकट करते थे। उनके पत्र वास्तव में काफ़ी रोचक होते, कभी गांव वालों की गतिविधियों का उल्लेख, तो कभी नौलखा घूमते जाते समय मन में क्या विचार आए, या कभी फुलवाड़ी के दृश्य का वर्णन। कभी कभी तो उनका पत्र पत्र न होकर मेरे लिए दर्शन की एक पुस्तक बन जाता। ऐसे ही एक पत्र के कुछ अंश मैं तुम्हें लिख रही हूँ। प्रिय, तो तुम्हारा पत्र आ ही गया और ऐसा विस्फोट हुआ कि जैसे मेरी मेज़ पर अणुबम आकर फट गया हो, और मेरी दृष्टि अचानक सामने खिड़की पर जाकर अटक गई। वही तुम्हारी देखी हुई दीवाल है, बहुत मोटी, अपने 250 बरस पुराने घर की। पहले यहाँ खिड़की नहीं थी, पुराने इंसान को खिड़कियाँ लगाने का तरीका ज़्यादा भाता नहीं था। यह खिड़की मलिका विक्टोरिया के बाद इस मोटी दीवाल में निकाली गई, और इसमें से मुझे और तुम्हें फुलवारी के कितने सुंदर दृश्य दिखाई दिए हैं। उसी खिड़की में न जाने पुराने चूने में कहाँ माटी जा समाई है कि एक हरा नन्हा पौधा निकल आया है। वह मेरे देखते देखते 2 फुट का हो गया है, उसमें लंबे और 6 इंच चौड़े पत्ते आए हैं, लंबे लंबे। हवा जब नींबुओं में सरसरा कर बरसात के लबालब भरे पानी में भीग कर सघन वृक्षों की छाया में लौटती हुई आती है, और पास के विशाल पीपल की डाली के पत्तों के पास में ही सरसर हर हर मचाकर मुझे चौंका देती है। मैं आंखें उठाकर देखता हूँ तो सबसे पहले पताका से हिलते इस कोमल पौधे के पत्ते दिखाई देते हैं। सच, मुझे इन पर बड़ा प्यार आता है। धरती से कितने ऊपर पत्थरों और चूनों के बीच में से निकल पड़ा यह पौधा अपनी सत्ता के बारे में कितना निश्चिंत सा दिखाई देता है। लो, मुझे उत्तर मिल गया। तुम पूछती हो तो जीवन क्या है? अच्छा, यह सवाल क्या ऐसे खींच कर पूछने का है, या तुम समझती हो इसका उत्तर जल्दी से दिया जा सकता है? वेद के कवि ने नासदीय सूक्त में यह प्रश्न पूछा था और कहा था कि कौन जानता है कि इसका सृष्टा कोई है भी या नहीं। मेज पर रखता हूँ अपनी पकड़ पकड़ कर संसार के विचारकों को, वे तुम्हें नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूँ। जीवन यह पौधा है, तुम हो और मैं हूँ। जीवन के 1000 पहलू हैं, 1000 के लाख काम हैं। मेरी मुट्ठी में एक भी समा जाए तो मानव को देख लूँ। कभी मेरे मन में बाहर और भीतर के समय ने अगर मिलान कर लिया तो विश्वास करो वह भी कठिन नहीं रहेगा। मौलिकता चमत्कार में नहीं, गहराई में है। सच तो यह है कि हमारे विश्वास जितने छोटे होते हैं हम उतने ही सुखी होते हैं। फैलाव हमारे डर और घबराहट को जन्म देता है। हम आए हैं, चले जाएंगे, मैं भी तुम भी। मौलसरी का वृक्ष तब भी झरेगा। मरने के बाद शायद हमारी चेतना की शक्ति, एनर्जी, आत्मा अपने स्मरण संस्कार के साथ शायद भौतिक जगत के साथ डोला करेगी। तब भी हम तुम मिलेंगे, या उस योनि में हम और वेदनामय होंगे, उससे छुटकारा पाना चाहेंगे। क्या तब हमें जिजीविषा नहीं रहेगी? उस अवस्था की रुरिंसा क्या होगी? वह भी अपनी एक दुनिया होगी। निश्चय ही सृष्टि के रहस्य का तो हमें तब भी पता नहीं चलेगा। हम ही तो सृष्टि हैं, हम भी तो रहस्य हैं। क्या वह रहस्य हमारे रूप में ही है, या हमसे बिल्कुल बाहर है, अलग है? तो लो, मैं बता दूँ जीवन क्या है। एक दौड़, एक चक्रगति, एक विकास, एक क्षय और एक अज्ञात रहस्य, जिसकी प्रक्रिया को मनुष्य भीम प्रयत्न से धीरे धीरे खोलने की चेष्टा कर रहा है। और जो तो यह जान पाता है उसे लगता है कि बहुत थोड़ा है, अभी अभी जानने को बहुत बाकी है। मेरे नन्हे पौधे, मेरी खिड़की पर हंसता है तू, हंस ले, हिल ले, तुझे बयार कंपा रही है मस्ताने, देख रही हो, नहीं मानता यह जीवन। पानी बरसा था, धरती पी गई, पीपल की फुनगी पर तीती फूटी, कितनी सुंदर है।
मैं अंतिम बात कह दूं, जीवन सौंदर्य है, मानोगी ना? क्यों नहीं भला, जब तुम्हारी भाषा में सौंदर्य का ही दूसरा नाम प्यार है। अच्छा मेरा स्नेह लो, दूसरा नाम ही जो ठहरा, कुछ अजीब अजीब सा लगेगा कि मैंने अपने को भी अपने अध्ययन की चीज़ बना लिया है। है ना मज़ेदार बात, मैं ही अपने आप को देखा करता हूँ। यह काम पहले दार्शनिक करते थे, परंतु वे दोनों प्रकार मैं समय और उसकी गति से विच्छिन्न करके किसी पूर्ण की सत्ता को छू लेना चाहते थे, परंतु उनको कभी सफलता नहीं मिल सकी। मुझे भी मिल पाएगी ऐसा कुछ नहीं सोचता, परंतु दौड़ मुझे व्यर्थ अच्छी नहीं लगती। लो अब सांझ मेरी खिड़की पर आ गई है, कहती है बाहर चलो। ठहरो संध्या, चलता हूँ। जानता हूँ वहाँ नीले पहाड़ पर सूरज ढल रहा है, वहाँ के कच्चे पथ पर लौटती गायों के खुरों से उठी धूल पर, घने हरे पेड़ों के नीचे जो किरणें तिरछी होकर पड़ रही होंगी, उनमें सोने की सी चमक आ गई होगी। प्रशांत होगा नील व्योम और दूर दूर तक फैले खेत, आने वाली ऋतु के लिए सरसों के लिए जुती मिजी पड़ी होगी, उन पर पीले पीले ढेर ढेर फूल खिलेंगे। अच्छा अब मेरा पत्र समाप्त, इस संध्या का स्नेह तुम भी लो, सुदूर महानगर के कोलाहल में इसे सहेजो। मैं जानता हूँ वहाँ भी समुद्र तीर पर मन की यही भूख भीड़ों को ले जाती है। मेरी संध्या की सुनहली किरण का चुंबन तुम्हारे सागर की अतलांत हलचल को और उस उतरते अंधियारे को जो हम तुमको नीलम में डुबो देगा, और तब भी मेरा पौधा अपराजित साहस से असीम आकाश को चुनौती देता रहेगा। वह अक्षर लेता है और अक्षर ही देता है। ये एक बड़े रचनाकार का मन है, यानी 6 साल की वैवाहिक जीवन में एक पति और एक इंसान और एक बड़ा रचनाकार क्या कुछ क्रिएट करके हमारे सामने प्रस्तुत कर सका, ये अद्भुत है। मेरा ख्याल है कि ये छोटी सी चर्चा रागे राघव के बारे में और उत्सुकता पैदा करने के लिए कुछ काम कर सकी होगी, हमारी यही कोशिश थी। आप सबके मन में अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, ये विद्वान भी आपके सामने हैं, श्री मंत्री आपके सामने, आप एक दो प्रश्न कर सकते हैं। हमारे पास छोटा सा 8-10 मिनट का टाइम है, जरूर बताएं। हाँ सर, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो 40 उपन्यास नहीं है, उन्होंने 42 उपन्यास लिखे। अच्छा। और दूसरा बात, जो उन्होंने तीव्र गति से लिखा, तो उन्होंने रामविलास शर्मा जी ने एक बार उनको लिखा, कहा था कि जब तक मैं आपकी एक किताब नहीं पढ़ पाता हूँ, जब तक बाजार में दूसरी आ जाती है। तो जैसे उन्होंने शेक्सपियर के सारे नाटकों का अनुवाद किया, तो वो बहुत जल्द एक एक दिन में 9 उपन्यास उनके अनुवाद हिंदी में आ गए थे जी। ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। नहीं सही कहा, वैसे हम तो वो थोड़ा राउंड अप करते हैं ना, जहाँ 42 उसको 40 या उसमें 45 भी ले जाते हैं, बात बहुत वही है, लेकिन ये सही है, ठीक है। और जी नमस्कार सर, इतना बढ़िया परिचय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये जोड़ना चाहूँगा कि रांघे राघव के बिना हम थिएटर के स्टूडेंट्स विलियम शेक्सपियर को जान ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते और समझ ही नहीं पाते। जहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की लाइब्रेरी में मोहन राकेश का स्थान है या सुरेंद्र वर्मा का स्थान है, इब्सन का स्थान है, वहीं ठीक विलियम शेक्सपियर के नीचे अगर रांघे राघव के उनके नाटकों के अनुवाद नहीं होते तो हम बिल्कुल विलियम शेक्सपियर को ना पढ़ पाते, ना मंचन कर पाते, ना खेल पाते। तो ये बात बहुत तारीफ है काबिल है कि वो अंग्रेजी भाषा के भी पंडित, संस्कृत के भी पंडित, हिंदी के भी पंडित। अभी परसों ही एक नाटक का अनुवाद करते हुए मैंने रात में सिमंथनी जी को कॉल किया और मैंने कहा कि मुझे एक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अर्थ समझाया, फिर मैंने कहा मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जरा इसका वाक्य में प्रयोग करके बताओ। तो यहाँ मैं एक नाटक में ही इतना जूझ रहा हूँ या कोई साहित्य पढ़ते हुए डिक्शनरी की मदद ले रहा हूँ, वहाँ एक व्यक्ति ने विलियम शेक्सपियर से हमारा परिचय करा दिया। आई एम वेरी थैंकफुल। ये अनुवाद का प्रसंग आया तो मैं एक प्रसंग आपसे साझा करना चाहूँगा। अड्डा जी, मैं आपसे ये बात कर रहा था, असल में आपने सही कहा कि बहुत सारी चीज़ें इतना उन्होंने लिखा कि उसको समेटना यहाँ मुश्किल था, फिर भी मुझे लगा कि दो चीज़ें, हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो जैसा भी इन्होंने कहा कि उनके अनुवाद पर बात नहीं हो पाई, जो कि उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं, जिसका भी उन्होंने जिक्र किया शेक्सपियर का,
दूसरा मुझे लगता है उनकी कहानी जो गदल थी वो बहुत महत्वपूर्ण कहानी थी, जिसका केवल यहाँ जिक्र भर नाम भर लिया गया। मैं सोचता हूँ उस पर भी यदि थोड़ी बात दो चार हो जाती तो मैं समझता हूँ बड़ा निश्चित रूप से राजस्थान में वो एक जो सही घटना थी उसको लेकर उन्होंने एक महिला, एक बहादुर महिला का जिस तरह चरित्र उसमें उन्होंने खींचा है, मैं समझता हूँ बड़ा अद्भुत है वो। इन पर बात यदि हो सकती है तो थोड़ा गदल है, पंचकारुम है, जो जनजाति जीवन है उस पर बहुत गहराई से वो विचार करती है, और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे कितने ही अनुभव, कितने ही ऐसे संस्मरण हैं जो आपको रांगे राघव के माध्यम से उस जमाने में लेता जाते, उस युग में ले जाते। ये तो उनका कंट्रीब्यूशन है ही। मैं अनुवाद के उनके सामर्थ्य पर एक प्रसंग है, उन्होंने शेक्सपियर के एक नाटक का हिंदी अनुवाद किया और राधा कृष्णन ने जब उसको देखा और उन्होंने टिप्पणी की कि इसको अंग्रेजी में किया होता तो अच्छा था, उन्होंने तत्काल अंग्रेजी में भी कर दिया। मैंने इसलिए कहा कि वो बहुत असाधारण व्यक्तित्व थे। अनुवाद पर तो एक पूरा सत्र हो सकता है, इतना अनुवाद, इतना विपुल काम किया है। और बहुत से लोग, बहुत से इस तरह के रचनाकार किसी व्यावसायिक मांग पर करते हैं। रांगे राघव के सामने इस तरह की कोई मजबूरी नहीं थी, वो तो स्वयं एक जागीर के मालिक थे, लेकिन लेखन उनका अपना स्वयं का वर्ण था। ये उनके अपने निजी जीवन की, अपनी एक व्यक्तित्व की एक अद्भुत पक्ष कहिए, उसका एक रहस्य कहिए, कि एक इतना बड़ा विरासत का इतना महत्वपूर्ण मानता है, एक रचनात्मक काम को इतना बड़ा दर्जा देता है, यही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। We have time for one final question. आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, और कोई ये बताए सर। एक छोटा सा सवाल ये है कि अभी कहा गया था कि रांगे राघव के जो लेखन का मूल्यांकन वास्तव में इसलिए नहीं हुआ कि गुट बने हुए थे और वो किसी गुट में नहीं थे, या जो भी उसके बारे में आपने कहा है, मैं ये कहता हूँ लेखक का गुट होना ही क्यों चाहिए? लेखन तो स्वान सुखाए है, तो फिर गुट की जरूरत कहाँ है? और गुट वालों को अपनी राजनीति अलग करनी चाहिए, लेखन को उसमें शामिल करने की जरूरत कहाँ है? लेखक और पाठक को सीधा संबंध रहने दे, पाठक खुद ही अपना गुट बना लेगा। तुलसीदास इतने बड़े रचनाकार थे कि उनके स्व में पूरे जगत का मन आता था। लेखक वही होता है जो आपके मन की बात बोले, तभी आपके मन से वाह निकलती है, और आपसे मतलब तमाम लोगों से, अपने जमाने का, अपने समय का, अपने परिवेश का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए उसको युग दृष्टा भी कहते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को और आप तमाम ऑडियंस का।